गुलबर्गा शहर के पायन रोड जलील कंपाउंड के करीब अल फैजान हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स ओपन हुआ है, जिसका इनोग्रेशन जानशीन सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज सैयद अली अल हुसैनी साहब के हाथों किया गया है। इस मौके पर बारगाह शेख के डकैन सज्जादा नशीन सिराज बाबा साहब, मौलाना सैयद अब्दुल रऊफ साहब अशरफी, बाबा नजर मोहम्मद खान साहब, अब्दुल समद कुरैशी और सिकंदर बाबा साहब के अलावा दीगर कई खास मेहमान यहां मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने अल फैजान हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की इफ्तिताह के मौके पर प्रोपराइटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, मोहम्मद अलाउद्दीन बागबान, अब्दुल फैजान यादगिरी और खलील अहमद कुरैशी को मुबारकबाद पेश कर शहर की आवाम से इस ट्रैवल्स के जरिए हज उमरा की शहादत हासिल करने की गुजारिश की है। इस ट्रैवल्स के इनोग्रेशन ऑफर के साथ 1 अगस्त और 3 अगस्त को 2 पैकेज तैयार किए गए हैं। 1 अगस्त को रवाना होने वाले ग्रुप का पैकेज 1,20,000 रुपया है, जिसमें आपको सऊदी एयरलाइंस से डायरेक्ट फ्लाइट रहेगी और मक्का में 5-स्टार होटल मक्का टावर्स में रहेगी और मदीना में आपको 100 मीटर की दूरी पर जवार तैयबा होटल के साथ हैदराबादी फूड और दीगर सहूलियात मिलेंगे। और 3 अगस्त को सिर्फ 95,000 रुपीज का पैकेज है, जिसमें आपके लिए एयर इंडिया फ्लाइट रहेगी और मक्का में नदा दीफा होटल 150 मीटर की दूरी पर और मदीना में 100 मीटर की दूरी पर जवार तैयबा होटल के साथ दीगर सहूलियात दी जाएंगी। इस ट्रैवल्स की प्रोपराइटर में मोहम्मद रियाज अहमद पिछले 15 साल से मक्का में अपने खिदमत अंजाम देते आ रहे थे और अब शहर के आवाम की खिदमत करने के गर्ज से गुलबर्गा शहर में टूर्स एंड ट्रैवल्स ओपन किए हैं। तमाम प्रोपराइटर्स ने इनोग्रेशन के मौके पर मौजूद सभी मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा किया है और सभी मेहमानों ने इस इनोग्रेशन के मौके पर खुशी जाहिर कर आप सभी से टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए फायदा हासिल करने की गुजारिश की है। अल फैजान टूर्स एंड ट्रैवल्स के इनोग्रेशन के मौके पर ऑफर के साथ 1 और 3 अगस्त को पैकेज तैयार है। आप ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल फैजान हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया है। बड़ा मुबारक महीना है ज़िलहिज्जा का, आज 29 ज़िलहिज्जा है और मैं साथ ही साथ इफ्तिताह के साथ ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो जो इस ग्रुप और ट्रैवल से लोग जाएंगे और इसका इस्तेफादा करेंगे हज और उम्रा के लिए, अल्लाह ताला उनके उम्राओं को कबूल फरमाएँ, उनके दुआओं को कबूल फरमाएँ, उनके इबादतों को कबूल फरमाएँ। और जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, मोहम्मद रियाज साहब है, फैजान साहब है, अलाउद्दीन साहब है और खलील साहब है, आप सबको मेरी मुबारकबादी पेश करता हूँ क्योंकि ये एक खिदमत वाला काम है और ये इसको कोई बिजनेस के तौर से नहीं देखा जाता। तो ये शायद चुने जाते हैं लोग अल्लाह ताला से जो इस खिदमत को अंजाम दे सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इन सबको मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये टूर्स एंड ट्रैवल्स अच्छे से चले और इसमें कौम की खिदमत अंजाम हो। बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजेस है, अभी मैं देख रहा था 95,000 का एक है और 1,20,000 का, फिर उसमें डिस्काउंट भी है कुछ, तो काफ़ी करीब करीब होटल्स भी इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ जो जो इसका इस्तेफादा भी करेंगे, शायद बुकिंग्स भी शुरू हो गई होंगी और बस अल्लाह ताला से दुआ है। और साथ साथ मैं ये भी दुआ करूँगा कि जो जो हजरात जाएंगे वहाँ हम सब के लिए भी दुआ फरमाएं। शुक्रिया व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ अल फैजान हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स के इफ्तिताह के ज़िमन में जमा हुए हैं। इंशाल्लाह ये टूर्स एंड ट्रैवल्स बड़े अच्छे सहूलियात के साथ उमरा करने वालों को उमरा कराएंगे। वहाँ पर जो है इंशाल्लाह बहुत करीब होटल्स वगैरह होंगे, खाने वगैरह का इंतज़ाम आला पैमाने पर होगा और हमारे रियाज साहब जो है तकरीबन 15 साल वहाँ पर रह चुके हैं तो इन्हें काफ़ी तजुर्बा मक्के और मदीने शरीफ का है, तो लिहाजा ये ख़ुद बनफसा नफीस उमरा आने वालों की साथ रहेंगे और उनकी खिदमत भी करेंगे। तो लिहाजा मैं तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि अल फैजान हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स से इस्तेफादा हासिल करें और खलील साहब, खलील कुरैशी साहब और रियाज साहब और दीगर उनकी टीम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस कारोबार में खूब तरक्की और बरकत अता फरमाए। इस कारोबार के सबसे तफ़ील बार बार हरमैन शरीफ़ इनकी ज़ियारत
इन्हें नसीब फरमाए और रिस्क हलाल की नमत अता फरमाए। आमीन बिजाहे सैयद मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आज हम अल फैज़ान उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स के इफ्तिताह में शरीक हैं। ये हज उमरा की खिदमत के लिए जिन हजरात ने बेड़ा उठाया है उनमें एक तो मोहम्मद रियाज अहमद काजल साहब हैं, दूसरे मोहम्मद अलाउद्दीन बागबान साहब हैं, तीसरे मोहम्मद अब्दुल फैज़ान यादगिरी हैं और चौथे खलील अहमद क़ुरैशी साहब हैं। ये हजरात इस मैदान का काफ़ी वसीअ तजुर्बा रखते हैं और ख़िदमत ख़ल्क़ का इनका जज्बा भी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने तजर्बे से लोगों को ख़ातिर ख़्वाह फ़ायदा पहुँचाएँगे और अपने जुमला ख़िदमत का जो जज्बा है उस जज्बे को भी बरोए कार लाएँगे और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ रब तबारक व ताला इनके ज़रिए से हज या उम्रे के लिए जाने वालों को आसानियां पैदा फरमाएगा और इनके ज़िंदगियों में भी इंशाअल्लाह बरकतें मुकद्दर होंगी। रियाज अहमद काजल साहब जो मुस्लिम चौक गुलबर्गा के रहने वाले हैं, इन्होंने फ़ोन पर बताया कि 22 जून बाद नमाज फ़जर खाने काबतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में पानी के डब्बे ले जाने का भी इनको शरफ़ हासिल हुआ। दरअसल अंदरून काबतुल्लाह तामीरी काम चल रहा था, मुझे पानी के डब्बे अंदर ले जाने का मौका मिला। बहरहाल इनकी एक ख्वाहिश थी कि अंदरून काबा का भी खाने काबा का भी ये दीदार कर सकें। अल्लाह तबारक व ताला ने इनको ये मौका भी इनायत फरमाया। तो बहरहाल अलहाज मोहम्मद रियाज अहमद काजल साहब वहाँ रह चुके हैं और काबे के अंदर रह चुके हैं, अंदरून काबा भी ये जा चुके हैं। 15 साल तक माशाल्लाह इन्होंने काबतुल्लाह के अंदर खिदमत अंजाम दी है, वहाँ के लोगों से भी इनका अच्छा खासा राबता है। तो इस उम्मीद पर हम ये उम्मीद कायम कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इनकी तरफ से जो ये हज और उम्रे का ग्रुप शुरू किया जा रहा है इसमें बहुत ज़्यादा तजुर्बे का फ़ायदा होगा और लोगों को आसानियाँ फराहम होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब तबारक व ताला इनके काम में बरकतें अता फ़रमाए और इनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और इनके ज़रिए से हज और उम्रे को जाने वालों के लिए आसानियाँ मरहमत फरमाए। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला खैर खल्क़िही सैयदना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज शहर गुलबर्गा में जलील कंपाउंड के रूबरू डिसाइड में जो अल फैज़ान हज उमरा टूर एंड ट्रैवल्स की आज ओपनिंग हुई है। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला एक मुकद्दस जो काम को लेके आके बढ़े हैं लोग, कि मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो भी हूँ अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। देखिए हज और उमरा के जो ऐसी अजीम खिदमत है हाजियों की और वहाँ के हुज्जाज की जो खिदमत के लिए, माशाल्लाह जो है अब ये जो टीम जो हमारे रियाज भाई जो है एक ज़माने से जो है मक्के में हैं, आप 15 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हरम में ही मैं भी एक दो साल पहले गया था तो आपको हज में ही उम्रे में ही मुलाकात किया था और माशाल्लाह जो है आप लोगों से जो है उम्मीद रखता हूँ मैं कि भाई इंशाल्लाह ये गुलबर्गा की आवाम को जो है और अतराफ़ ज़िले के लोगों को जो है सही जो है इंशाल्लाह रहबरी मिलेगी और जो पैसा जो पैकेज लोग जो अभी जो ऐलान किए हैं 3 अगस्त को जा रहा है और जो वापस जो है 17 अगस्त को आ रहा है और एक अगस्त को एक जा रहा है 14 अगस्त को आ रहा है, दो अलग अलग जो है पैकेजेस हैं। मैं आखिरी में फिर एक बार आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप जिस नीयत को लेके आगे बढ़े हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि खिदमत अपना जो है फरीजा बता रहे हैं अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम। अल फैज़ान ग्रुप के मेंबरों को मैं बहुत दिल से बधाई देता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सज़ा अता फरमाए। गुलबर्गे के अंदर गुलबर्गे के अवाम गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए खुशखबरी है कि हज और उमरा की खिदमत के लिए हाफिज़ डाले हैं, अल्लाह इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। आप हाजी भी हैं, हरम में मक्का शरीफ में खिदमत रही है 15-16 साल, मक्के के अंदर भी जाने का मौका मिला। ऐसी हस्तियों के साथ अगर गुलबर्ग अवाम को हज और उमरा करने की सआदत नसीब हो तो एक खुशखबरी खुश नसीबी है, अल्लाह इनके खिदमतों को कबूल फरमाए और हम भी दुआगो हैं, आप सब लोग दुआगो हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज बहुत ही मसरत का दिन है कि अल फैज़ान हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया। इसको जानशीन सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह हाफिज़ सैयद अली अल हुसैनी क़िबला ने और इनके अलावा सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत शेख दक्कन हज़रत सिराज बाबा मददुल्लाह आली और मौलाना सैयद अब्दुर्रऊफ साहब मुफ्ती दारुल उलूम दीनिया बंदनवाज़िया ने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वह हज़रात आए और इसका इफ्तिताह अमल में लाए। बड़ी मसरत की बात है कि इसमें जो हज़रात शामिल हैं इस काम कार खैर के अंदर, एक तो हमारे मोहम्मद रियाज अहमद साहब जो सालहा साल से तकरीबन 15 साल का पूरा अरसा इन्होंने काबतुल्लाह के करीब सहने काबा में हुज्जाज किराम और मुअतमरीन की खिदमत अंजाम देते रहे और उनके लिए जमजम का इन्होंने इंतज़ाम बहुत ही हुस्न खूबी के साथ अंजाम देते रहे और इस खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और इसके अलावा काबतुल्लाह में भी आपको ये शरफ़ हासिल हुआ है कि वो जमजम को लेकर काबतुल्लाह में जो गुस्ल काबा होता है उसमें शरीक रहा करते हैं। बहरहाल ये बड़ी सआदतें उनको हासिल हैं और अब चूँकि गुलबर्गा शरीफ में वो आ गए हैं मगर वहाँ का जो सिलसिला है उसको बाकी रखने के लिए वो और उनके हमरा मोहम्मद अलाउद्दीन बागवान साहब और उनके अलावा अब्दुल फैज़ान साहब और खलील अहमद कुरैशी साहब इनके साथ हैं, इनके हमनवा हैं और ये सब लोग मिलकर कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ से लोगों को हज के लिए और मुअतमरीन को उमरा के लिए ले जाएं और वहाँ की खुसूसी ज़ियारतें, चूँकि हमारे रियाज अहमद साहब वहाँ 15 साल का एक बड़ा अरसा इन्होंने गुजारा है और वहाँ के चप्पे चप्पे से ये वाकिफ़ हैं, तो इंशाअल्लाह इनकी कोशिश है कि वो चीज़ें जो वहाँ इन्होंने अपनी आँखों से माथे की आँखों से देखी हैं यहाँ अहले गुलबर्गा को भी वो दिखाना चाहते हैं। बहरहाल ये बड़ी सआदत की बात है कि ये काम बहुत ही अजीम काम है, अल्लाह ताला इनके ज़रिए से काम ले रहा है, तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी गैब से मदद फरमाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के वसीले से इस काम में आसानी अता करें और तादम ज़ीस्त जब तक इन के जिस्म में जान है अल्लाह इनसे ये खिदमत लेता रहे। वआखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आज जलील कंपाउंड में अल फैज़ान हज उमरा टूर्स एंड ट्रैवल्स की इफ्तिताह हमारे शहर के मायानाज आलिम दीन हमारे केबीएन सोसाइटी के वाइस चांसलर अली अल हुसैनी साहब के हाथों अभी यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पे शहर के तमाम जिम्मेदारान भी मौजूद थे और इस ग्रुप के जिम्मेदारान मोहम्मद रियाज, मोहम्मद अलाउद्दीन बागबान, मोहम्मद अब्दुल फैज़ान यादगिरी, खलील अहमद कुरैशी, ये चार मिलकर ये जो है अल फैज़ान हज उमरा ग्रुप चला रहे हैं। इंशाअल्लाह ये ग्रुप बहुत तरक्की करेगा, अच्छी तरह से ये लोग खिदमत करेंगे, हमको ये उम्मीद है क्योंकि ये पूरे नौजवान हैं साथी, इनके दिल में जज्बा है कि कौम की खिदमत करे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये अल फैज़ान हज उमरा ग्रुप को खूब तरक्की अता फरमाए और मैं अवाम से भी अपील करता हूँ कि इस ग्रुप से इस्तेफादा हासिल करते हुए अपने हज उमरा ग्रुप के लिए यहाँ से जो है ना इस्तेफादा हासिल करें।